वेलकम बैक, आई एम योर ट्रेनर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको वोकैबुलरी याद कर रहा हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि आपको वो कैब दे दूं। वो कैब का सेशन चल रहा था, लेसन 1-2 याद किया था, लेसन 3 याद करो। एक लड़का था जो बड़ा ही अर्जेंट था। अर्जेंट का मतलब क्या होता है, जोशीला, बड़ा अर्जेंट था। मैं सारा किताब इसी किताब से लिया हूं, जो आपके एग्जाम में सारा वो कैब यहीं से आएगा और यहीं से मैं वो कैब ले रहा हूं ताकि आप याद करो। तो एक लड़का था, बड़ा ही अर्जेंट था, जोशीला था, जो बड़ा ही जोश में काम करता था, बड़ा ही अर्जेंट। अर्जेंट मतलब जोशीला, अर्जेंट था, अर्जेंट मतलब जोशीला था। उसे कई अवार्ड मिल चुके थे, कई अवार्ड मिल चुके थे। अवार्ड का मतलब होता है फ्री का सम्मान। उसे कई सम्मान मिल चुके थे, वो फ्री का अवार्ड, फ्री का सम्मान कहीं मिल चुका था। लड़का था तो इमिग्रांट। इमिग्रांट कहते हैं प्रवासी को, प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपने सुना होगा नाम, तो प्रवासी को कहते हैं इमिग्रांट। तो था तो इमिग्रांट, लेकिन उसके मित्र उसको इमिग्रांट कह के चिढ़ाते थे। इमिग्रांट स्पेलिंग चेक कर लो, IMM। तो इमिग्रांट का मतलब हुआ आप प्रवासी। था तो प्रवासी, लेकिन उसके मित्र उसको इमिग्रांट कह के चिढ़ाता था कि तू भाई इंडियन नहीं है, तू तो विदेशी है। तो उसको इमिग्रांट कहते थे, चिढ़ाते थे उसको, लड़का को चाहते थे। इसलिए लड़का अपने आप को आइसोलेटेड करता था। आइसोलेट मतलब अलग थलग रहना, अपने आप को बिल्कुल दोस्तों से अलग थलग रखता, आइसोलेटेड रखता, अपने आप को अलग रखता था, आइसोलेटेड रखता था। इससे होता क्या था कि हालांकि वो अपने लोगों से, अपने मित्रों से इंसुलेट करता, बचता था। इंसुलेट मतलब बचना, वो मित्रों से बचता, इंसुलेट करता कि भाई पता नहीं कौन क्या बोल दे, इंसुलेट करता। हालांकि देखा जाए राजा का बेटा था वो, तो प्रोस्पेक्टिव किंग था। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता होने वाला, भावी। वो प्रोस्पेक्टिव किंग था, होने वाला किंग था, आगे आने वाला किंग था। प्रोस्पेक्टिव किंग था, आने वाला राजा था। प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला। इसलिए उसे अपने चाचा से डर था कि कहीं उसके चाचा सत्ता को प्रोस्ट्रेट ना कर दे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है गिरा देना, झुका देना, जैसे मंदिर में जाते हो प्रोस्ट्रेट हो जाते हो। तो उसको वो डर था कि कहीं उसके चाचा सत्ता को प्रोस्ट्रेट ना कर दे, झुका न दे, गिरा न दे। इसलिए वो अपने चाचा से रिफ्रेन करता। तो रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन से फ्रॉम लगाते हैं, तो रिफ्रेन का मतलब बचना, परहेज करना, को रिफ्रेन कहते हैं। इसलिए चाचा से रिफ्रेन करता, बचता रहता, और इसलिए वो रिमोट एरिया में रहता था। तो रिमोट का मतलब दूर के एरिया में रहना, रिमोटेड एरिया, दूर का एरिया। वो रिमोट एरिया में रहता था, दूर के एरिया में रहता था। हालांकि उसे रिक्विजिट तो था, रिक्विजिट का मतलब अपेक्षित, उसे रिक्विजिट था, अपेक्षित वैल्यू था, उसे रिक्विजिट वैल्यू आपने सुना होगा। तो उसे रिक्विजिट था, अपेक्षा था कि राजा तो वही बनेगा, चूंकि इतना मेहनत से पढ़ा है, उसे रिवार्ड तो जरूर मिलना है, मिलेगा, उसे रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, चूंकि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, उसे रिवार्ड तो मिलेगा जरूर, उसे रिवार्ड मिलना चाहिए, उसे रिवार्ड मिलेगा। तो रिवार्ड का मतलब मेहनताना, बोलते रहो ना मेरे साथ फटाफट। तो उसे रिवार्ड मिलेगा मतलब मेहनताना मिलेगा, फिर मिलेगा। और उसे कई अवार्ड तो मिल चुके थे, वह स्पेसिफाई, फिर भी वह स्पेसिफाई करना चाहता था, अपने मम्मी से, अपने पापा से स्पेसिफाई मतलब स्पष्टीकरण चाहता था कि पापा मुझे स्पष्टीकरण दे दो कि मैं ही किंग हूं। पापा मम्मी मुझे स्पष्टीकरण, स्पेसिफाई कर दो कि मैं ही होने वाला किंग हूं, मैं ही बनूंगा राजा, है ना। लेकिन उसके चाचा का जो स्पॉन्टेनियस, उसके चाचा बड़े स्पॉन्टेनियस थे। स्पॉन्टेनियस मतलब मनमानी करने वाला, जंगलीपन, जिसका दिमाग सही नहीं रहना, स्पॉन्टेनियस नेचर था, बड़ा ही मनमानी किस्म का था। तो उसको पता था कि उसका चाचा बड़ा स्पॉन्टेनियस किस्म का है वो, और इसका पूरी जनता टेस्टिफाई है। टेस्टिफाई मतलब साक्षी होना, पूरा जनता टेस्टिफाई है, साक्षी है। अब जाकर के उसके राज्य की एक ट्रेड था, ट्रेट मतलब विशेषता, उसके राज का एक ट्रेट था, विशेषता था, जो बड़े ही ट्रेंड पर था। तो ट्रेंड का मतलब फैशन पर था, जोर पर था, बड़े ही ट्रेंड पर था, कि लोगों को ट्रिवियल नज़र से, ट्रिवियल मतलब तुच्छ,
लोगों को ट्रिवियल नजर से देखा जाता था, बिल्कुल तुच्छ नजर से देखा जाता था, और इसलिए पूरे राज्य का माहौल बड़ा ही टर्बुलेंट था, अशांत था, हलचल माहौल था। पूरे राज्य का माहौल टर्बुलेंट था, अशांत माहौल था। और इस तरह से 20 वर्ष तुम्हारे समाप्त हो गए। याद करिए और सारे बच्चों को बताइए कि कैसे वीडियो याद करते हैं, और मैं धर्मेंद्र सर ऐसे वीडियो लेकर के हमेशा आता रहूंगा आपके लिए वोकैबुलरी, ताकि आप वोकैब याद करते रहें। थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।